अब देखिए उस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं जहां से कि जो पिक है मतलब बूढ़ा पहाड़ का, वहां हम पहुंचेंगे। इस तरफ आप देखिए कि पीछे की तरफ दिखाएंगे धनंजय, ये गांव है और ये पिक है, मतलब आप जितना आसानी से हम लोगों को देख रहे हैं चलते हुए इतना आसानी नहीं। अभी यहां से हम लोग जो है ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे और पिक पर चलेंगे, वो जो सामने पहाड़ है उस तरफ वहां जाएंगे और वहां जाकर जो है फिर वहां की तस्वीर दिखाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 55 किलोमीटर के इस घने जंगल वाले इलाके से माओवादी सालाना 1500 से 2000 करोड़ की कमाई किया करते थे। कैसे किया करते थे, इस सवाल का जवाब हमें मिल गया। हम अब बूढ़ा पहाड़ से ठीक नीचे वाले पॉइंट तक पहुंच चुके थे। इस दौरान हमने देखा कि जंगल में कुछ लोग कुछ पत्तों को तोड़ रहे हैं। हमारे मन में ये सवाल उठा कि आखिर किस तरह के पत्ते को ये तोड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग जंगल में पत्तों को तोड़ रहे थे वो बड़ी बारीकी से पत्तों को ढूंढ रहे थे और तोड़ कर डोंगी में रख रहे थे। ये देखिए जो हम केंदुआ पत्ते की बात कर रहे थे, दरअसल वो केंदुआ पत्ते क्या होता है, जो पूरा आर्थिक तौर पर जो है ये है। क्या तोड़ रहे हैं चाचा, क्या है ये, ये क्या है, ये तेंदुपत्ता है। तेंदुपत्ता है, कैसे तोड़ते हैं, थोड़ा तोड़ के दिखाइए पेड़ में से। कैसे कैसे तोड़िए जरा सा, कोई पेड़ नहीं है यहाँ, तोड़िए। हाँ, ये देखिए इन्होंने ये तोड़ा है यहाँ पे, ये जो केंदुआ पत्ता है, ये पत्ता देख रहे हैं आप, ये तोड़ के जो है इसको लेके जा रहे हैं। पहले जब ये पत्ता तोड़ते थे माओवादी लोग क्या करता था, क्या बोलते थे? कुछ नहीं बोलता था, मैंने पता ही तोड़ो तोड़ता था, तो भाई ठेकेदार से पैसा भी लेता था, वो पहले पैसा लेता था, पैसा लेता था। ये बूढ़ा पार कहाँ है, किसको बोलते बूढ़ा पार? बूढ़ा पार ही है साहब, ये सामने में जो है उस तरफ। हाँ वही है, यहीं पे बैठता था वो लोग। हाँ यहीं पर रहता था, बूढ़ा पार पूरा चलता था उसका, चलता था। तो ये पत्ता भी आप क्या कीजिएगा, ठेकेदार को दे दीजिए? ठेकेदार को देंगे। कितना पैसा मिलेगा इसका? 100 में 400 मिलेगा, 100 पत्ता का 400 रुपया। हाँ 400। तो कितना पत्ता तोड़े हैं? हम 200 तोड़े हैं, 800 रुपया तोड़े हैं। 800 रुपया सुबह से तोड़े हैं। हाँ पहले ही 800 रुपया आपको मिलता था कि उसमें नक्सलियों का माओवादियों का हिस्सा चला? हम लोग का मिल जाता था लेकिन ठेकेदार अलग से देता था, ये देखिए यही पत्ता है, ये दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये पत्ता है जो हमने आपको दिखाया था, ये इस तरह से जंगल में, ये इस तरह का जंगल है और ये जंगल में है, इसको तोड़ते थे पत्ता को, और पत्ता को तोड़ने के बाद जो है ये लोग जैसा बोल रहे हैं कि ठेकेदार को देते थे। और ये आपका घर कहाँ? पुंदाग। चलिए ठीक ठीक। बूढ़ा पहाड़ से ठीक नीचे पुंदाग गांव में हमने देखा कि एक जगह पत्तों को सुखाया जा रहा है। वहाँ हमारी मुलाकात जिनसे हुई उन्हें देखकर हम हैरान रह गए। इस बियावन जंगल में वो लोग कहाँ से पहुँचे थे और इन पत्तों के पीछे की कहानी क्या थी, हमारे सारे सवाल का जवाब परत दर परत हमारे सामने आने लगा और हमें समझ में आ गया कि आखिरकार माओवादियों ने इस इलाके को अपना गढ़ क्यों बनाया हुआ था। ये पत्ता क्या है और इस पत्ते की वजह से ये पूरा इलाका पिछले 32 सालों से कैसे माओवादियों के चंगुल में रहा, वो भी आपको समझाएंगे। केंदुआ का पत्ता है जो बीड़ी बनता है, जो बीड़ी आप देखते हैं पीते हैं लोग, वो बीड़ी इसी पत्ते से बनाए जाते हैं और ये जंगल में मिलता है। और ये ठीक पीछे हमारे जो आप देख रहे हैं यही है वो बूढ़ा पहाड़ जहाँ पर माओवादियों का साम्राज्य चलता था और माओवादी जो है वहाँ से अपनी सत्ता चलाते थे इस पूरे 40 किलोमीटर के इलाके में। परिंदा भी बगैर उनकी इजाजत के पर नहीं मार सकता था। हमेशा जंगल से टेंडर निकलता था, टेंडर सरकार देती थी लेकिन उसका पैसा जो है माओवादी उठाते थे। मान लीजिए टेंडर डाला कोई महाराष्ट्र की का सेठ है, उसने टेंडर डाला और केंदुआ पत्ता का जो है टेंडर ले लिया। और टेंडर लेने के बाद जो है ये देखिए ये पत्ता है, दरअसल इसके पीछे क्या क्या, ये जो पर्ची लगाए हुए हैं, पर्ची क्या चीज का है? तो वहाँ जो लेवी का खेल होता था। ये लोग अभी आ गए हैं, मैंने पूछा इनसे पहले आप, अच्छा आप लोग कहाँ के हैं पहले ये बताइए तो? महाराष्ट्र। ये पत्ते के लिए आए हैं आप? पत्ता हाँ ठेकेदार खरीदते हैं, उसको हम सुरक्षित भरने लायक बनाते हैं यहाँ सुखा के। हाँ सुखा के फिर भर के अपन जाते हैं। भरिएगा भी यहीं? हाँ। और पूरा मतलब पूरा बंडल बना के लेके जाते हैं? नहीं, बोरा भर के बोरा को ले जाते हैं। बोरा को लेके जाते हैं वहाँ ले जाओगे आप, फिर वहाँ बनाओगे? वो ऑफिस में ले जाके जमा करेंगे सेठ के आदमी महाराष्ट्र में। हाँ यहाँ रात में कहाँ रुकते हैं सर? हैं ये ग्राम पंचायत भवन में है। अच्छा अब से पहले कभी आए थे यहाँ? नहीं आए थे, पहला बार। पहला बार पता है इस इलाके के बारे में कुछ बताया गया था? नहीं जी अभी कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया आप लोगों को? देखिए यही चेंजेज है जो पिछले एक साल में यहाँ पे आया है।
दरअसल ये सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ जो नीचे के लोग हैं वो भी आने थे। यहाँ दिन के समय में तो छोड़ दिए, रात के समय में छोड़ दीजिए, दिन के समय में 9 बजे आदमी नहीं आएगा, ठीक है। और माओवादियों का साम्राज्य यहाँ इस तरीके से चलता था कि इस गांव में लोग जो है सांस भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं लेते थे। अगर आपने इजाज़त के बगैर सांस ले ली तो उनका ये, तो आप लोग आराम से रहना, कोई डर खौफ नहीं आप लोग। नहीं डर, डर घुमाई तो नहीं डर, ठीक है। अरे ये लोग हैं तो नहीं डरने है ना। तो ये यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा, अब इसका जो गणित मैं बता रहा था, गणित ये है कि इसी केंदुआ पत्ता के जरिए पूरा ये खेल चलता था। लेवी का जो वसूली होती थी कि जितने आसानी से यहाँ अभी सुखा रहे, इतने आसानी से सुखा पाते हैं, अदालत लगा के। हाँ, तो ये जो है ये पत्ता जो है इसी का लेवी वसूलते थे, और ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से आर्थिक मजबूती नक्सलियों और माओवादियों को दिया करते थे। अब सोचिए, आप सपने में भी सोच सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे बूढ़ा पहाड़ है और उसके नीचे केंदुआ पत्ता सुखाया जा रहा है, और महाराष्ट्र के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको लेके जाएंगे। आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये अगर संभव हो पाया है तो सीआरपीएफ का जो मेहनत है इस इलाके को माओवादियों से मुक्त करने में। ये जो हम पहुंचे हैं ये बूढ़ा पहाड़ का टॉप है इस तरफ, ठीक है। और चूंकि यहाँ से अब आगे जाने के लिए बाइक से भी, हम लोग सड़क जरूर दिख रही है ऐसे, लेकिन बाइक से हम लोग नहीं जा सकते। इधर नीचे की तरफ हम दिखाते हैं आपको हम किधर से आए हैं। ये देखिए पूरा दिख रहा है ना, वो लोग जो दिख रहे हैं दो लोग जाते हुए, दरअसल वो लोग केंदुआ पत्ता जो है तोड़ के, केंदु पत्ता तोड़ के जा रहे हैं। और ये मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन पहुँचे। इनका क्या काम है? ये देखिए क्या नाम है इनका, बेन। बेन, ये बेन है, और बेन जो है सर्च करते हैं। आप ऑपरेट करें, ठीक है ना, ये सर्च करते हैं। चलिए ना, हम पैदल चले जाएंगे, चलेंगे पैदल, आप बढ़िया ना। हाँ नहीं नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।